Hello, students. Our today's topic is concentration terms. So, concentration terms means we are going to study different methods to express the concentration of a solution. Now, first of all, we will see what is meant by concentration. Suppose we have a solution, we have a solution of, say, NaCl in water. हमारे पास सॉल्यूशन किसका है एन ए सी एल इन वाटर सो इन दिस सॉल्यूशन एन ए सी एल इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट एन ए सी एल सॉल्यूट है एंड वाटर क्या है सॉल्वेंट है जर्नली सॉल्यूट कौन होता है विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट एंड सॉल्वेंट विच इज प्रेजेंट इन हायर अमाउंट जिस चीज़ को डिसॉल्व करते हो दैट इज सॉल्यूट जिस में डिसॉल्व करते हो दैट इज सॉल्वेंट सो so, सॉल्यूशन जो भी कोई सॉल्यूशन होता है दैट इज मेड विद सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमने सॉल्यूशन किसका लिया है एन सी एल को वाटर में डिजोल्व करके एक सॉल्यूशन हमने बनाया है अब इसकी कंसेंट्रेशन की बात कर रहे हैं हम टॉपिक है हमारा कंसेंट्रेशन टर्म्स तो कंसेंट्रेशन देख लेते हैं पहले कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब क्या है हम मान लेते हैं कि हमने से 100 एम वाटर ले लिया प्लस उसमें टेन ग्राम एन डाल दिया तो इसी को कंसेंट्रेशन बोलते हैं सो so, कंसेंट्रेशन का मतलब हुआ कि हमने कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में ऐड किया सो कंसेंट्रेशन का मतलब क्या होता है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन अमाउंट ऑफ सॉलवेंट कितना सॉलवेंट है और उसमें कितना सॉल्यूट है वो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है इन दिस केस टेन ग्राम सोल्यूट है हंड्रेड एम एल सॉलवेंट है सो so, ये चीज़ कंसन्ट्रेशन है बट हर बार हमको ये स्पेसिफाई करना कि इतने ग्राम इसमें सॉल्यूट होगा इतने एम एल सॉलवेंट है या इतने ग्राम सॉलवेंट है उस चीज़ को ईजी बनाने के लिए हमने कुछ मैथड्स डिवाइस कर लिए कि ये मैथड्स हैं कि इस मैथड की हेल्प से हम अपने सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं सो डिफरेंट मैथड्स टू एक्सप्रेस द कंसनट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन वो जो अलग अलग मैथड्स हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं कंसेंट्रेशन टर्म्स सो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखते हैं कौन कौन सी होती हैं सो so, कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए वी हैव टू मैथड्स कौन कौन से मैथड्स हैं हमारे पास एक तो है हमारे पास क्वालिटेटिव मैथड्स क्वालिटेटिव मैथड्स एंड सेकेंड है क्वांटिटेटिव मैथड्स कंसंट्रेशन को समझने के लिए कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए एक है क्वालिटेटिव मेथड्स दूसरा है क्वांटिटेटिव मेथड्स अब क्वालिटेटिव मेथड्स में इन दिस द क्वालिटेटिव मेथड या क्वालिटेटिवली द सॉल्यूशन कैन आइदर बी डाइल्यूट और कॉन्सनट्रेट अब ये वर्ड्स बहुत कॉमनली यूज होते हैं कि सॉल्यूशन डेल्यूट है या कंसनट्रेट है सो so इसको हमने अच्छे से समझ लेना है कि डेल्यूट वर्ड का क्या मतलब है डेल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है एंड कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है तो क्वालिटेटिवली सॉल्यूशन या तो डेल्यूट होगा या सॉल्यूशन कॉन्सनट्रेट होगा अब इसका मतलब क्या है डेल्यूट और कॉन्सनट्रेट सॉल्यूशन का अगेन हम दो सोल्यूशन इसमें लेंगे ये मान लो बिक्कर हैं सेम कैपेसिटी के हमने बिक्कर लिए हैं हमने दोनों बिक्कर्स को हाफ हाफ फिल कर लिया जैसे आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि आपने दो ग्लास ले लिए बिल्कुल सेम तरीके के ग्लास हैं उनको हाफ हाफ आपने वाटर के साथ फ़िल कर दिया मतलब इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर रख लिया आपने से uh, कि दोनों में फिफ्टी एम एल वाटर से हमने अपने ग्लासेस को भर लिया और एक ग्लास में हमने क्या किया वन स्पून शुगर डाल दी वन स्पून शुगर डाल दी और जो दूसरा आपने ग्लास सेम तैयार किया उसमें आपने टू स्पून शुगर डाल दी दो ग्लास हैं सेम बिल्कुल सिमिलर ग्लासेस हैं उनको आपने हाफ हाफ वाटर के साथ भर लिया एग्जाम्पल के लिए हमने 50 एम 50 फिफ्टी एम उनको वाटर के साथ फिल कर लिया और एक में एक चम्मच चीनी डाल दी दूसरे में दो चम्मच चीनी डाल दी सेम स्पून रखना है अब आप देखो अब आप दोनों सॉल्यूशन को टेस्ट करो तो ज़्यादा स्वीट टेस्ट आपको नेचुरली सेकंड में आएगा इसको ए बोल देते हैं इसको बी बोल देते हैं बी जो आपने ग्लास बनाया है वो ज़्यादा मीठा लगेगा ए कम मीठा लगेगा तो कंपेरेटिवली ए को बोलेंगे डेल्यूट सॉल्यूशन है और बी को बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटिड सॉल्यूशन है तो ये एग्जाम्पल से हमें समझ आ जाता है डल्यूट सॉल्यूशन कौन है जिसमें कंपेरेटिवली लेस अमाउंट होगा किसका सॉल्यूट का और जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है वो क्या होगा कॉन्सेंट्रेटिड बट ये हमेशा कंपेरेटिव टर्म्स रहती हैं ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है डेल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटिड एक दूसरे के कम्पेरेटिव हम देख सकते हैं कि ए जो है वो बी के कंपेरिजन में डेल्यूट है और बी जो है वो ए के कंपैरिजन में कॉन्सेंट्रेटिड है लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं अब हमने दो सॉल्यूशन लिए थे अब हम तीन सॉल्यूशंस लेके इसको समझने की ट्राई करते हैं सो so, पहले तो हम ये चीज लिख लेंगे कि डेल्यूट क्या है डेल्यूट सॉल्यूशन हमने किसको बोलना है सॉल्यूशन विच इज हैविंग, सॉल्यूशन विच इज हैविंग लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट सॉल्यूशन विच इज हैविंग लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट उसको डेल्यूट बोल देते हैं एंड कॉन्सेंट्रेटेड किसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन है सॉल्यूशन विच इज हैविंग लार्जर अमाउंट ऑफ सोल्यूट पिछली एग्जांपल ए और बी वाली ए में एक चम्मच शुगर थी और बी में दो चम्मच थी और ये कंपैरेटिव टर्म्स हैं र कंपेरेटिव टर्म्स कंपेरेटिव टर्म्स मीन्स एक दूसरे के कंपेरिजन में हम ये चीज बता सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन डेल्यूट है और कौन सा सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है एक और एग्जाम्पल लेके इसको समझने की ट्राई करते हैं कि कंपेरेटिव से हमारा क्या मतलब है अब हम एक के बजाय सॉरी दो के बजाय तीन सोल्यूशंस लेंगे ए बी एंड सी सेम कैपेसिटी के जैसे ग्लासेस हमने पहले लिए थे वैसे ग्लासेस ले लिए उसको हाफ हाफ भर दिया तीनों तो को जैसे पहले किया था कि फिफ्टी एम एल ईच हर एक में फिफ्टी एम एल हमने वाटर डाल दिया तो अब की बार हमने इसमें क्या किया हमने इसमें वन स्पून शुगर सेकंड में टू स्पून शुगर और थर्ड में थ्री स्पून शुगर अब टेस्ट सबसे स्वीट टेस्ट किस में आएगा सी में उससे कम बी में सबसे कम ए में तो ए और बी को देखो ए और बी के अकॉर्डिंग कौन ज़्यादा मिठा है बी है तो ए और बी के हिसाब से बी कॉन्सेंट्रेटेड हो गया ए क्या हो गया डेल्यूट इन दोनों को देखोगे तो ए डेल्यूट है बी कॉन्सेंट्रेटेड है अब मान लो हमने ए को छोड़ दिया अब बी और सी को कंपेयर करो ए है ही नहीं ऐसा सोच के देखते हैं तो ज़्यादा मीठा टेस्ट किस में आएगा सी में आएगा तो सी हो गया कॉन्सेंट्रेटिड बी हो गया डेल्यूट तो हम इस केस में देख सकते हैं कि बी ए के कंपेरेटिवली कॉन्सनट्रेटिड है और बी सी के कंपेरेटिवली डेल्यूट है इसीलिए हमने ये वर्ड यूज़ किया है कि डेल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटिड जो है दे आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स दे आर कंपेरेटिव टर्म्स बट ये हमें पता होना चाहिए कि डेल्यूट सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है अनुमेरिकल में ये टर्मिनोलॉजी काफ़ी यूज़ की जाती है सो so ये तो हो गया आपके क्वालिटेटिव मैथड्स अब हम देखते हैं क्वान्टिटेटिव मैथड्स कौन कौन से हैं सो so सेकेंड आ जाएगा क्वान्टिटेटिव मैथड्स टू एक्सप्रेस द कंसनट्रेसन और कॉन्सनट्रेशन टर्म्स सो नेक्स्ट आपका बन गया क्वांटिटेटिव मेथड्स। काफ़ी सारे इसमें हमारे पास मेथड्स हैं जिससे हम कंसेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं फर्स्ट हमारे पास मेथड है मास परसेंटेज मास परसेंटेज क्वांटिटेटिव मेथड्स हमें एक्चुअल कंसेंट्रेशन बताएंगे क्वालिटेटिव में तो उसकी क्वालिटी बता दी कि भी ये डल्यूट है ये कॉन्सेंट्रेटिड है एक्चुअल में वो उसमें कितना था सॉल्यूट था कितना सॉल्वेंट था वो चीज़ जो है वो हमें क्वांटिटेटिव मेथड्स बता सकते हैं तो फर्स्ट क्वांटिटेटिव मेथड इज़ मास परसेंटेज और इसको वेट परसेंटेज भी बोल सकते हैं मास परसेंटेज वेट परसेंटेज और मास बाय मास भी लिखा आता है वेट बाय वेट भी लिखा आता है ये डिफरेंट चीज़ें हैं सेम ही मतलब है और सिंपल है इसका W बाई डब्ल्यू एम बाई एम भी लिख देते हैं सो फर्स्ट मेथड इज मास परसेंटेज अब मास परसेंटेज का मीनिंग क्या है एक्चुअल में एक सॉल्यूशन के एग्जांपल लेंगे एक हमारे पास अगेन कोई भी आप सॉल्यूशन ले लो सॉल्ट सॉल्यूशन ही ले, ले लेते हैं NaCl प्लस वाटर का सॉल्यूशन है ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन पे लिख दिया कि इट इज़ टेन परसेंट वेट बाय वेट ऐसे करके आपको लिखा आ गया कि सॉल्यूशन की जो कंसेंट्रेशन है दैट इज़ टेन परसेंट वेट बाय वेट सो पहले तो हमें इसका मीनिंग देखना पड़ेगा उसको लॉजिकल मीनिंग बोल देते हैं कि इट्स एक्चुअल में इसका मतलब क्या है टेन परसेंट वेट बाय वेट ये सॉल्यूशन है एंड वी नो एन ए सी एल इज़ एक्टिंग एज अ सॉल्यूट एंड वाटर इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट टोटल सॉल्यूशन इज दिस सो टेन परसेंट वेट बाय वेट का मीनिंग होगा कि इसमें टेन ग्राम सॉल्ट है एन है इन हंड्रेड ग्राम सॉल्यूशन, सो ये चीज माइंड में रखनी है कि हंड्रेड ग्राम सॉल्यूशन टोटल कि इफ़ वी हैव हंड्रेड ग्राम ये टोटल मान लो हंड्रेड ग्राम होता तो इसमें टेन ग्राम सॉल्ट डाला गया था तो नेचुरली इसमें वाटर कितना डाला गया होगा नाइन्टी ग्राम तो इसमें जर्नल मिस्टेक क्या होती है कि बच्चे हंड्रेड ग्राम वाटर लिख लेते हैं नो no, हंड्रेड ग्राम इज टोटल सॉल्यूशन वी नो सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन टोटल हंड्रेड ग्राम है हमने बोला है जी टेन ग्राम सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट जो कि इस केस में वाटर है वो कितना आएगा नाइन्टी ग्राम्स सो so, ये इसका लॉजिकल मीनिंग है लॉजिकल मीनिंग क्या हुआ कि जितना भी उसको मास परसेंटेज बोल रहा है कि मान लो टेन परसेंट की बजाय वो बोल देता जी पंद्रह परसेंट वेट बाय वेट है फिफ्टीन परसेंट वेट बाय वेट का क्या मीनिंग होता फिफ्टीन ग्राम सॉल्यूट इन हंड्रेड ग्राम सॉल्यूशन फिफ्टीन ग्राम सॉल्यूट इन हंड्रेड ग्राम सॉल्यूशन तो उसमें वाटर कितना हो जाता है एट्टी फाइव सो लॉजिकल मीनिंग क्या हुआ मास ऑफ सॉल्यूट मास परसेंटेज का मीनिंग लिख रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन हंड्रेड ग्राम सॉल्यूशन इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन हंड्रेड ग्राम सॉल्यूशन इसको हम मास परसेंटेज के नाम से जानते हैं अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला बनाना हो तो वॉट विल बी इट्स फॉर्मूला मास परसेंटेज का फॉर्मूला कैसे बनेगा मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर क्या रखना है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स नीचे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन ये ध्यान रखना है अकेला सॉल्वेंट नहीं ले लेना ले इसमें टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू हंड्रेड परसेंटेज है तो इनटू हंड्रेड तो इसे हम बॉक्स में डाल लेंगे ये हमारा बन गया फॉर्मूला किसका मास परसेंटेज का कितना सॉल्यूट है उसमें डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन कितना था इन टू हंड्रेड सो अब इसके नोमेरिकल्स देख लेते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मास परसेंटेज इज वन ऑफ द क्वांटिटेटिव मेथड्स। नाउ इसका नोमेरिकल ये इसका क्वेश्चन है मास परसेंटेज का क्वेश्चन क्या है अ सॉल्यूशन वाज मेड बाय डिजोलविंग ट्वेंटी ग्राम सॉल्यूट ट्वेंटी ग्राम सॉल्यूट है सॉल्यूट कितना है ट्वेंटी ग्राम और सॉल्वेंट कितना था सिक्सटी ग्राम नमेरिकल में सबसे पहले क्या करना है उसमें डाटा बना लेना चाहिए डाटा मीन्स जो आपको चीजें गिवन है वो लिख लो और जो पूछा है वो लिख लो एक सोल्यूशन बनाया गया ट्वेंटी ग्राम सॉल्यूट था सिक्सटी ग्राम सॉल्वेंट था और उसका मास परसेंटेज निकालना है वेरी सिंपल अब मास परसेंटेज का हमें फॉर्मूला पता है पहले फॉर्मूला लिख लो ऊपर क्या आना है मास ऑफ सॉल्यूट नीचे क्या आना है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू हंड्रेड नो विनो मास ऑफ सॉल्यूट इज ट्वेंटी अब नीचे क्या लगाओगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 60 प्लस 20 दैट इज 80 इंटू हंड्रेड इसे सॉल्व कर लेते हैं इट विल बी 25 परसेंट सो मास परसेंटेज कितनी निकल के आई 25 परसेंट so, सो ये हमारा जो है क्वांटिटेटिव मेथड थे वो फर्स्ट मेथड कंप्लीट हुआ है उसका नाम क्या है मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज नाउ सेकंड मेथड इज कौन सा मेथड है ये क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं सेकंड मेथड है हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज सेकंड मेथड कौन सा है वॉल्यूम परसेंटेज इसे वॉल्यूम भाई वॉल्यूम भी लिखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज जो है दैट इज यूज्ड फॉर लिक्विड सॉल्यूशंस कैसे सॉल्यूशंस के लिए यूज किया जाता है लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए अब लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी लिक्विड है सॉल्वेंट भी लिक्विड है ले लेते हैं हम जैसे एक मान लो इथानोल प्लस वाटर है ये सॉल्यूशन था इथानोल प्लस वाटर इथानोल इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट सपोज वी हैव दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन अब उस पर मार्क हो गया कि ये ट्वेंटी परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन था पहले तो इसका हम लॉजिकल मीनिंग देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है तो 20 एम एल वॉल्यूम है तो एम में आएगा 20 एम एल ऑफ इथानोल इन 100 एम एल सॉल्यूशन ये लॉजिकल मीनिंग हो गया टोटल फिर टोटल क्या लेना है आपने सॉल्यूशन लेना है तो इस केस में आपको वाटर बताना हो सॉल्वेंट बताना हो तो टोटल में से सॉल्यूट माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 80 एम एल ये सॉल्यूशन आपको हंड्रेड एम टोटल रखना है तो वो कैसे बनाया गया होगा 80 एम वाटर लिया और उसमें ट्वेंटी एम एल इथानोल मिक्स कर दिया इस टाइप का ये सॉल्यूशन है सो so, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन को हम क्या लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 एम एल सॉल्यूशन पर 100 एम एल हर 100 एम एल सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का वॉल्यूम डाला गया है दैट इज इट्स वॉल्यूम परसेंटेज अब इसका फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मुला इसका क्या बन जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज का इट्स फॉर्मूला विल भी जैसे मास परसेंटेज का बनाया था वैसे इसका फॉर्मूला देखो ऊपर तब मास था यहाँ पे क्या आ जाएगा वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू हंड्रेड दिस विल बी वॉल्यूम परसेंटेज नो इसका नोमेरिकल देखते हैं एक ये रहा इसका क्वेश्चन। हंड्रेड एम एल मिथानोल अब इसने दोनों अल्कोहल ले लिए इथानोल एंड मिथानोल व्हाट इज द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथानोल या वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथानोल अब इसमें लेस अमाउंट में इथानोल है तो ये सॉल्यूट हो गया ये क्या हो गया सॉल्वेंट वॉल्यूम परसेंटेज का अगेन फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे ऊपर वॉल्यूम ऑफ इथानोल इथेनोल की वॉल्यूम परसेंटेज पूछी है तो ऊपर इथानोल का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू हंड्रेड वॉल्यूम ऑफ इथानोल वी हैव टेन एम टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हंड्रेड प्लस टेन बस यही इसी पे वैसे तो ये बहुत इजी है कंसंट्रेशन टर्म जो परसेंटेज वाली है इसमें बस यही ध्यान रखना है मिस्टेक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हो जाती है कि टोटल वॉल्यूम लेने के बजाय समटाइम्स सॉल्वेंट का अकेले का लिख देते हैं बच्चे तो वो चीज़ माइंड में रखनी है टोटल वॉल्यूम लिखना है इन टू तो इसे सॉल्व कर लो इट विल बी हंड्रेड अपॉन एलेवन नाइन पॉइंट ज़ीरो नाइन परसेंटेज सो इट्स वॉल्यूम परसेंटेज विल बी इंट जीरो नाइन परसेंटेज ना ये दो मैथड्स हो गए थर्ड मैथड वी है क्वॉंटिटेटिव मैथड चल रहे हैं थर्ड मैथड फर्स्ट था मास परसेंटेज सेकेंड था वॉल्यूम परसेंटेज थर्ड है वेट बाय वॉल्यूम वेट या मास वेट बाय वॉल्यूम परसेंट अब इसका सिंबल क्या होगा W अपॉन V वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज एक सॉल्यूशन ले लेते हैं इन वाटर, वाटर। प्लस इस पे मार्क है इट्स फिफ्टीन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम सॉरी फिफ्टीन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम तो सबसे पहले इसका लॉजिकल मीनिंग और देखो ऊपर मास है ऊपर वेट है फिफ्टीन ग्राम शुगर इन नीचे वॉल्यूम है हंड्रेड एम एल सोल्यूशन ऊपर मास है नीचे वॉल्यूम है अब इसमें मान लो सॉल्वेंट निकालना है तो इसमें डायरेक्ट माइनस करके हम निकाल पाएंगे हम डायरेक्ट माइनस करके नहीं निकाल सकते क्योंकि एक चीज़ हमें हमारे पास वॉल्यूम है दूसरी चीज़ हमारे पास मास है सेम यूनिट्स वाले ही सब टैक्ट ये एड हो सकते हैं इसलिए इसमें डायरेक्ट माइनस करके हम नहीं निकाल सकते हमें इसमें पहले डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी So, इसमें डायरेक्ट नहीं कर सकते डेंसिटी दी होगी तो हम फाइंड कर सकते हैं तो पहले इसको डिफाइन कर लो वेट बाय वॉल्यूम इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज सॉल्यूट प्रेजेंट इन हंड्रेड एम एल सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन हंड्रेड एम एल सोल्यूशन की टोटल हंड्रेड एम एल सोल्यूशन इफ यू आर टेकिंग सो उसमें कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड इट्स वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा सिमिलर जैसे बाकियों के फॉर्मूलाज बनाए हैं वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा ऊपर वेट है सो so, ऊपर क्या आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट नीचे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एम ये ग्राम में इनटू हंड्रेड सो ये हो गया वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला अब इसका नुमेरिकल देख लेते हैं एक ये रहा इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोलते हैं हमें वॉट इज द वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन

अपॉन टोटल वॉल्यूम ये टोटल वॉल्यूम ऑलरेडी हमें गिवन है अब इसमें ऐड नहीं करना क्योंकि ये तो वॉल्यूम है ये मास है ये डायरेक्टली ऐड हो ही नहीं सकते सो so ऐसे केसेस में टोटल totally ही दिया जाता है इन टू हंड्रेड अब इसको सॉल्व कर लो ये आपका आ गया फिफ्टीन परसेंट सो वेट बाय वॉल्यूम वी हैव फिफ्टीन परसेंट सो so, ये तीन मास परसेंटेज के हैं कंसेंट्रेशन टर्म्स और भी बहुत कंसेंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़नी है इसके और ये तो बहुत बेसिक से नोमरिकल हो गए अब इसके दो नोमरिकल्स हम और ट्राई करेंगे क्वेश्चन है हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये प्लस वन में भी आता है और प्लस टू में भी आते हैं सो so, ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एन की प्रॉब्लम ही है दोनों ईयर्स में रिपीट होती है प्लस वन में तो चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट उसमें तो है ही है और प्लस टू का भी आपका जो चैप्टर है सॉल्यूशन चैप्टर है एक सेकेंड चैप्टर है पहला सॉलिड स्टेट है तो सेकेंड चैप्टर में ये क्वेश्चन एन में आपको गिवन है सो so, इस चैप्टर इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है वॉट इज द क्वेश्चन अ सोल्यूशन इज ऑबटेन्ड बाई मिक्सिंग थ्री हंड्रेड ग्राम ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट सोल्यूशन and 400 हंड्रेड of 40 फोर्टी परसेंट सोल्यूशन बाई मास कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन सो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमारे पास दो solutions हैं Solution is obtained by mixing. दोनों solution को जब हमने mix किया तो हमारे पास एक third solution बनता है और जो दो solutions को हमने mix किया है उनमें से जो पहला है वो कितना था थ्री हंड्रेड ग्राम सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन ट्वेंटी फाइव परसेंट है बाय मास मतलब ट्वेंटी फाइव परसेंट वेट बाय वेट उसका गिवन है मास परसेंटेज उस सॉल्यूशन की ट्वेंटी फाइव है उसको ए ले लो और जो सेकंड सॉल्यूशन है वो कितना है फोर हंड्रेड ग्राम है और उसकी मास परसेंटेज कितनी है 40 उसको बी रख लेते हैं इन दोनों को जब मिक्स किया तो हमारे पास एक नया सॉल्यूशन बना से सी अब वो सॉल्यूशन जो नया बना उसकी हमको मास परसेंटेज फाइंड करनी है ये हमारे पास सिनेरियो है क्वेश्चन क्या आई रिपीट दो सोल्यूशन हैं इज ऑपटेन्ड बाय मिक्सिंग एक सॉल्यूशन कितना लिया गया टोटल 300 ग्राम दूसरा सॉल्यूशन 400 ग्राम दोनों की इंडिविजुअल मास परसेंटेज गिवन है और जो सॉल्यूशन इन दोनों को मिक्स करके बनाया गया है उसकी मास परसेंटेज हमको फाइंड करनी है तो हम कैसे करेंगे लेट्स सी ये एक बार दोबारा यहाँ पे बना लेते हैं क्या सिचुएशन थी दिस इज केस अब इसकी मास परसेंटेज हमको निकालनी है तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है ऊपर क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट नीचे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू हंड्रेड अब ये देखो टोटल जो मास है बेटा अब ए सॉल्यूशन 300 ग्राम है यहाँ से 300 हंड्रेड ये टोटल सॉल्यूशन दिया गया है कितना सॉल्यूशन लिया 300 ग्राम ये लिया 400 ग्राम तो दोनों को मिक्स ही किया है तो इसका मतलब जो टोटल सॉल्यूशन है हमारा वो तो कितना ही आ जाएगा 700 ग्राम इन टू हंड्रेड बात रहेगी इसकी अब ये चीज़ क्या है मास ऑफ सॉल्यूट अब मास ऑफ सॉल्यूट कहाँ से आएगा जो हमारे पास ए और बी सॉल्यूशंस हैं ए सॉल्यूशन में भी कुछ सॉल्यूट होगा बी में भी कुछ होगा ए में से सॉल्यूट सारा इसमें गया बी में से सॉल्यूट इसमें गया वो कितना सॉल्यूट दोनों में था वही सॉल्यूट इसमें आएगा तो हम इन दोनों में सॉल्यूट फाइंड कर लेते हैं फिर वो इसमें दोनों को ऐड करके यहाँ पे पुट कर देंगे 300 टोटल था 25 परसेंट वेट बाय वेट ये 40 परसेंट अब इसका यूज़ होना है. इसका यूज़ अब कैसे करोगे अब देखो मास परसेंटेज का हमने अभी फार्मूला निकाला है हमने ऊपर क्या रखते थे हम मास ऑफ सॉल्यूट मैं इंडिविजुअली अब कर रही हूँ मास ऑफ सॉल्यूट नीचे टोटल सॉल्यूशन का इन टू हंड्रेड अब इस पे लगाओ इस केस में आपको क्या दे रखे ट्वेंटी फाइव परसेंट आपकी जो मास परसेंटेज है ए सॉल्यूशन की उसमें आपने सॉल्यूट निकालना है उसको एक्स मान लेते हैं टोटल सॉल्यूशन थ्री हंड्रेड था इन टू हंड्रेड तो ये आपका आ गया सेवनटी फाइव ग्राम ए में ये क्या बोल रहा है इसको ध्यान से देखना ए सॉल्यूशन थ्री हंड्रेड ग्राम था उसकी अपनी परसेंटेज ट्वेंटी फाइव परसेंट थी हम सिर्फ ए में सॉल्यूट देख रहे हैं कितना सो so ए के लिए हमने फॉर्मूला लगाया मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू टू हंड्रेड अब ए सॉल्यूशन तो टोटल थ्री हंड्रेड ही है पच्चीस परसेंट है इसकी तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी तो ये आ गया सेवेंटी फाइव ग्राम सिमिलरली बी में निकाल सकते हैं अब हम टोटल सॉल्यूशन हमारे पास कितना है फोर हंड्रेड ग्राम है मास परसेंटेज हमें गिवन है फोर्टी सॉल्यूट का अमाउंट हमको फाइंड करना है इंटू ये रहा था हंड्रेड तो ये आपका बन गया वन सिक्सटी ग्राम्स कैसे निकाला है? मैंने मास परसेंटेज का सेकेंड पे फॉर्मूला लगाया मास ऑफ सॉल्यूट एक्स मान लिया टोटल आपको फोर हंड्रेड दिया था इन टू हंड्रेड और मास परसेंटेज गिवन है आपको फोर्टी तो ये कट गया और ये आपका कितना आ गया x 160 सिक्सटी ग्राम्स अब देखो 160 सिक्सटी ग्राम इसमें सॉल्यूट प्रेजेंट था इसमें कितना निकला था हमारा 75 फाइव ग्राम ये हमने फाइंड किया तो टोटल सॉल्यूट को आप ऐड कर सकते हो इजीली कितना आएगा 235 थर्टी फाइव ग्राम सोल्यूट आ गया वो जो 235 थर्टी फाइव ग्राम है वो इसी में गया हमने जो नया सॉल्यूशन है उसकी मास परसेंटेज निकालनी है वो नए सॉल्यूशन का थ्री हंड्रेड ये फोर हंड्रेड ये सेवन हंड्रेड टोटल हो गया वो एक जो ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा था वो हमें पता लग गया टू थर्टी फाइव ग्राम अब इसको हम सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं ये आप निकाल लो कितना आएगा ये आ गया ट्वेंटी वन टू ये आ गया आपका ये कितना आ गया सॉरी सेवन थ्री इज द ट्वेंटी वन फोर और ये आपका आ गया हाँ जी इतना आएगा थर्टी थ्री पॉइंट फाइव परसेंट के अप्रोक्स ठीक है सो so, इस टाइप के क्वेश्चन हैं नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कंसनट्रेशन टर्म्स स्टडी करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग